एक नौजवान दुबई तो आता तो भारत के पंजाब के आके हुण अजिही बयानबाजी करता है, नौजवानों नूं किते ना किते उस राह ते लैण जाण दी कोशिश करता जो पंजाब दे आपां कहिए कि हालात बिगाड़ सकदा। अजे तक अमृतपाल सिंह वल्लों जो असी देखिया कोई इस तरह की मेरे ख्याल गल नहीं कही गई जिस दे नाल कोई इत्थे अमन अमान की हालात खराब होंदे होण। केंद्र सरकार दा पंजाब सरकार दा कि किसी का भी जबरी धर्म तब्दील करन दी किसी नूं इजाजत नहीं होनी चाहिए। अमृतपाल सिंह नूं अमृत छकन दे उत्ते उन्हां नूं मुबारकबाद देना कि उन्होंने अमृत छकिया। सिख नौजवान पीढ़ी दे विच अमृत संचार की लहर चलाउण ये कोई माड़ी गल नहीं हैगी। कुछ चेर पहला एक नौजवान दुबई तो भारत आउंदा है, भारत के पंजाब दे विच आके अचानक अजिहे बयानबाजी करन लगदा है कि नौजवान अपने आप उस नौजवान वाल खिंचे चले आउंदे। की कारण? जरनैल सिंह भिंडरांवाले का जिक्र विच आउंदा है, दीप सिद्धू का जिक्र विच आउंदा है, क्योंकि वारस पंजाब की जथेबंदी का आगू थाप दिता जाता है, मोहरी बना के तोरिया जाता है अमृतपाल होना नूं ते सीधे तौर पर गल कुर्बानियां दी करदे कि कुर्बानियां देनियां पैणियां। आखिरकार हुण पंजाब की राजनीति किधर नूं जाऊगी, कि केंद्र विच कुदूगी, क्योंकि लगातार सियासी बयानबाजियां होण लगियां। करनैल सिंह पीर मुहम्मद मेरे नाम मौजूदा गलबात कर लैंदे। पीर मुहम्मद साहब, एक नौजवान दुबई तो आउंदा ते भारत दे विच पंजाब दे विच आके हुण अजिही बयानबाजी करदा है, नौजवानों नूं किते ना किते उस राह ते लैण जाण दी कोशिश करदा जो पंजाब दे ਆਪਾਂ ਕੀ कि हालात ਵਿਗਾੜ सकता। पहला भी पंजाब अजिहे दौर चों लंघ चुकिया। देखो गल ये आ कि इस वेले दुनिया जिहड़ी ग्लोबल वाइज एक पिंड है तो यह कहना कि वह दुबई तो आया जां इंग्लैंड तो आया ये कोई मायने नहीं रखता कि कोई कितों भी आ सकता है। लेकिन सवाल ये आ कि वह आके कर की रहे हैं। उन्होंने पहलों क्लीन शेव सी ते उन्होंने एक धार्मिक तौर के उत्ते जिहड़ी एक परंपरा है सिख कौम की कि अमृतधारी होना सिख नौजवान लिए जिहड़ा सिख घराने च पैदा होया जिंदे नां नाल कौर ते सिंह लगदा उन्होंने अमृत छकना जरूरी है। तो अमृतपाल सिंह अमृत छके ते सिखी सरूप पहला उन्होंने धारण किया फिर अमृतपान कर लिया, ये कोई माड़ी गल नहीं। जिहड़ा एक तौखला प्रगट किया जा रहा है कि वह पंजाब दे जां देश दे हालात खराब करेगा, ये मैं कहना कि ये देखो हालात खराब करन लई जिहड़ियां गलत गतिविधियां कोई भी करता जिस दे नाल साडी जवानी दा साडे पंजाब दा जां किसी होर गल दा नुकसान हुंदा वह माड़ी गल है। पर अजे तक अमृतपाल सिंह वल्लों जो असी देखिया कोई इस तरह की मेरे ख्याल गल नहीं कही गई जिस दे नाल कोई इत्थे अमन अमान की हालात खराब होंदे होण, क्योंकि एक टकराव जरूर देखिया जा रहा क्रिश्चैनिटी का जिहड़ा इत्थे पास्टर जिहड़े प्रचार करते हैं उस नूं लैके पहलां भी सिख धर्म के वख-वख हिस्सियां दे विच इस गल दा जिहड़ा खदशा प्रगट कर रहा किया जा रहा सी कि पंजाब के पिंडां दे विच लगातार जिहड़े आ चर्च बना के ते उत्थे जिहड़े पास्टर ने ਉਹ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਕਰਾਅ ਹੈ ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ RSS ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਸਮਝੇ। इस करके जी बयानबाजी है इन्ह बयानबाजी इनके तो गुरेज करना चाहिए। उन्होंने संस्थावां जड़ियाँ बहुत व्डे पद्धर पर अगवाई कर दिया। मैं तो अमृतपाल सिंह अमृत छकन के उत्ते उन्होंने मुबारकबाद देना कि उन्होंने अमृत छकिया। सिख नौजवान पीढ़ी के अमृत संचार की लहर चलाउण ये कोई माड़ी गल नहीं हैगी। लेकिन जिहड़ा आपां जिस तरीके का तुसीं सवाल कर रहे हो इस तरह की कोई गल ना होवे, इसलिए गुरु पातशाह के चरनां च अरदास करदे हां। पर जिस हिसाब से नौजवानों को सीस देना बली देने की गल करना की लोड़ हैगी है। हुण देखो गुरु पातशाह ने जुल्म के खिलाफ अपना सीस दिता। जदों आनंदपुर साहब दे विच पंडित आए उन्होंने कहा कि औरंगजेब जिहड़ा साडा धर्म तब्दील करने वास्ते साडे जनऊल आ रहा तो उस वेले गुरु पातशाह ने गुरु गोबिंद सिंह जी बिल्कुल छोटी उम्र की अवस्था में सन। उन्होंने कहा कि पिता जी तुहानू अपना सीस देना पैना तो जाके चांदनी चौंक दे विच सीस दिता। भाई मती दास भाई दयाला जी तो भाई सतीदास जी सारे उन्होंने शहीद होए। इस करके जिहड़ियां ये परंपरावां वालियां गल्लां ने ये गल्लां तां सिख कौम दे विच हमेशा चलदियां रहियां, पर असीं सिर देण दे नाल नाल सिर नूं वरतना वी है। कित्थे वरतना कि जिथे साडी कौम दा घट तो घट नुकसान हो। पीर मुहम्मद साहब, सीधे तौर ते जेकर आपां संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले दा जदों जिक्र करदे, उन्हां ने कदे वी सीधे तौर ते खालिस्तान दी मंग नहीं कीती। ओह कहिंदे कि जेकर केंद्र सरकार देना चाहुंदी है तां दे देवे, पर अमृतपाल सिंह दा जदों जिक्र आउंदा है ओह सीधे तौर ते उस रस्ते ते तुर रहे हैगे। देखो, श्रोमणी अकाली दल पंजाब दे अंदर पंजाब दीयां हक्की मंगां लई आनंदपुर साहिब दे मते ते खड़ा। सानूं वध अधिकारां दी लोड़ है। ये साडा अपना देश है। इस देश नूं आज़ाद कराउण लई सब तो वध सिख कौम ने कुरबानियां कीतियां ते कुरबानियां हुण भी कर रहे हैं। कारगिल दी जंग होवे, देश दी सरहद दे उत्ते नेकां फौजियां दे तबूत पंजाब दी धरती ते रोज़ आउंदे आ। सूरबीर योधे जिहड़े आ ओह सिख रैजीमेंट दे विच बैठे आ। इस करके इस देश दे विच रह के असी अपने वध हक अधिकारां दी, कौमी जज्बे दी और सिख कौम दी अडरी हैसियत दी हमेशा गल कीती है। जो वध अधिकारां दी गल हुंदी है, संघी ढांचे दी गल हुंदी है, उस नाल लोकतंत्र मजबूत हुंदा है, क्योंकि बाबा साहब अंबेदकर भी इस चीज़ संविधान दे विच चीज़ां लिखियां कि उस नाल लोकतंत्र मजबूत हुंदा। संघी ढांचे दे नाल, भाषावां दे नाल लोकतंत्र दी बुनियाद मजबूत हुंदी है। पर जदों एक वक्खरे देश दी आपां सोच सोचण लग जाइए, उस रस्ते ते तुरन लग जाइए, उस नाल देश टुटदा, लोकतंत्र टुटदा, मजबूत नहीं हुंदा। देखो, वो कारण भी समझने चाहिए। उन्हां कारणा दी घोख भी करनी चाहिए। ये मंग उठती क्यों है? सिख कौम का सब तो वड्डा हिस्सा जिहड़ा ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਚਰਕੋਨੀ ਮੰਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧੱਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਧੱਕੇ ਕਰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ, प्रोफैसर दविंदर पाल सिंह भुल्लर, भाई जगतार सिंह हवारा, जिन्हें भी उन्होंने साथी ने जिहड़े बंदी सिंह ने, जो सजावां पूरियां कर चुके तो उन्होंने रिहा क्यों नहीं किया जाता? पर पीर मुहम्मद साहब, एक लाइन तो आपको खिंचनी पऊगी ना। जो श्रोमणी अकाली दल का जिक्र आउंदा, तुसीं हक्की मंगां दी गल करदे हो, बिल्कुल वो लाइन तो खिंचनी पऊगी। इस लाइन के अंदर रह के तुसीं अपने हक्की मंगां दी मांग करदे हो, पर जो उस लाइन नूं क्रॉस कर दिंदे हो, उस संविधान के खिलाफ जाके खड़ जांदे हो। इसका जवाब तो अमृतपाल सिंह दे सकदे आ। सानूं तुसीं सवाल कीता कि तुहाडी की मंग है। असीं अपनी मंग बारे क्लीयर कीता कि श्रोमणी अकाली दल की ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਗੁਲਾਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਕੂਲ ਸਲੂਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ, ਅਡਰੀ ਹੈਸੀਅਤ, ਕੌਮੀਅਤ ਜਜ਼ਬਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੱਟ ਮਾਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਉੱਠੇਗਾ ਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉੱਠਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਉਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਲੀਅਰ ਸਟੈਂਡ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੈ ਲੰਬੀ ਵੱਡੀ ਪੱਕੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਆਪਣਾ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਰੂਗਾ। ਦੇ ਅੰਦਰ ਯੂਥ ਜਿਹੜਾ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਡਿਗਰੀਆਂ, ਡਿਪਲੋਮੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਇਸ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਗਲਫ ਕੰਟਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇ, ਸਵੇਮਾਨ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਛੋਟਾ ਵਪਾਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਰੱਗ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਨਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਬਹੁਤਾਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਵਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲਹਿਰ ਚੱਲਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ। पर इस दे आड़ दे विच जेको अमृत संचार हुंदा, सिख धर्म का प्रचार हो, उस च किसी ने कोई दिक्कत नहीं होगी। ना हिंदू धर्म को दिक्कत होगी, ना ईसाई धर्म को दिक्कत होगी, ना सरकार को दिक्कत होगी। पर इस दी आड़ दे विच इस दे पिछे कोई एक होर मनसूबा चलता है, उस दे नाल किते ना किते स्टेट नूं भी दिक्कत होगी, लोकतंत्र नूं भी खतरा हो सकता है। गौरमेंट का मतलब है कि गौर, एक एक मिनट की गौर करनी, ये सरकार का फर्ज बनता है। जे उन्हां नूं कुछ लगता है इस तरह का, तो सरकार उसका निर्णय लवे कि उन्हें की करना। लेकिन मैं तो महसूस करदा कि कोई भी पुरअमन ढंग दे नाल अपनी गल करदा तो विचारां की आज़ादी होनी चाहिए है। कोई भी मनुख तुसीं देखो इत्थे हिंदू राष्ट्र की भी लोग गल करते हैं, रोज़ ही गल करते हैं, पार्लीमेंट के अंदर खड़ के करते हैं, राज सभा के अंदर खड़ के करते हैं, ठीक है ना जी। इस करके गल करन दे नाल कुछ नहीं हुंदा, लेकिन उन्होंने हिंसक रूप नहीं दिता जाना चाहिए। तुसीं कि हुण तक दी कार्रवाई नूं अमृतपाल जी नूं सिद्धे तौर ते सपोर्ट कर रहे हो? मैं ना उनका विरोध करदा ना सपोर्ट करदा, मैं तो ये गल कहना कि अमृतपाल सिंह वर्गा जज्बा जिहड़ा सिख नौजवानों दे विच होना चाहिए है कि वो सिक्खी स्वरूप धारण करन। जे उन्हां दे नां नाल सिंह शब्द लगा, सिख घराणियां च पैदा होया, तो उन्हां नूं गुरु दे सिख बनना चाहिए, पंज ककारां दा धारनी बनना चाहिए ते अमृत छकना चाहिए। तो सीधे तौर पर श्रोमणी अकाली दल के आगू करनैल सिंह पीर मुहम्मद कह रहे हैं कि जज्बा वड्डा अमृतपाल होना दाता, उस तरह नौजवानों नूं सिंह सजना चाहिए। कैमरा पर्सन सरबजीत दे नाल आशु अनेजा, लिविंग इंडिया न्यूज़, चंडीगढ़।